बैच की हैं ये? 2021 सेकंड काउंसलिंग की स्टूडेंट। क्या नाम हुआ तुम्हारा? महाराज जी, रश्मि लता। रश्मि लता कहाँ से हो? वैशाली। तुम्हारा क्या नाम है? अनुप्रिया। अभी इस सेशन में 2021 के कितने छात्र हैं? फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 41 एडमिशन हो गए थे, 24 सेकंड राउंड की काउंसलिंग इस बार हो रही है, जो कि एक कमेटी बैठा था कि उसका सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टोटल सीट कितना है? टोटल 65 सीट है। 65। अच्छा, तो उसमें अभी हमारे पास 24 सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जो बचे हुए स्टूडेंट थे उनकी काउंसलिंग अभी कंडक्ट की जा रही है, जिसके अंतर्गत हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीसीसी के द्वारा प्रमाणित होकर के आते हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी में ट्यूटर्स रहते हैं, प्रिंसिपल रहती है, मैटर हॉस्पिटल से रहती है, इसी अंतर्गत उनका सारे मेडिकल चेकअप होने के बाद। आपका परिचय क्या हुआ सर? राम अवतार शर्मा, प्रिंसिपल जीएनएम स्कूल एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। आपका परिचय? रेणु कुमारी, सहायक मातृका एसकेएमसीएच। लोगों का फोटो भी होता है? नामांकन में क्या क्या होता है, प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया में होता है कि ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया हुआ हम लोग कर चुके हैं काउंसलिंग के दौरान, दोबारा हम लोग फिर वेरिफिकेशन करते हैं, जो जो ड्यूज डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेते हैं, उसके बाद अगर कुछ इसके बावजूद भी ड्यूज रह जाता है तो एप्लीकेशन लिखवा के एक पर्टिकुलर 3-4 दिन का टाइम दिया जाता है, उसमें इसको सबमिट करना है ताकि प्रॉपर ये हो सके, मतलब कंप्लीट एडमिशन हो सके। और क्या हस्ताक्षर मिलान कराते हैं क्या? फोटो मिलाते हैं कि पर्टिकुलर जो स्टूडेंट को भेजा गया है वो ही आई है या नहीं आई है, जो एग्जाम दी है वही उसको वेरीफाई करते हैं, और फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस किया जाता है। आपका परिचय? मेरा नाम अनामिका कुमारी, सिस्टर ट्यूटर एसकेएमसीएच जीएनएम। धन्यवाद। फॉर्म में लिखाया भी जाता है जी, इसे फॉर्म पर लिखाया भी जाता है कि हाँ सही में जिन लोगों को लिखने पढ़ने आता है कि नहीं आता है, और ये जो भी डॉक्यूमेंट दे रही है वो सही है या नहीं है वो वेरीफाई कराएगा। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।